आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा से जुड़े हुए चार बहुत बहुमूल्य उपायों को करने का प्रयास करेंगे। ये उपाय जो आपके समस्त समस्याओं का समाधान हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के इस भौतिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा चाहता है। वो अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपनी विद्या में, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता है, किंतु जीवन में पग पग पर कुछ न कुछ समस्याएँ, कुछ न कुछ परेशानियां आती रहती है। देखिए, कुछ तो कर्मवशात जो हमको प्राप्त होता है, कुछ ऐसा है जो हमारे ग्रहों के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में हनुमान चालीसा, जो प्रत्येक भक्ति की आत्मा है, स्वर्णिम अक्षरों से युक्त यह हनुमान चालीसा आपके जीवन के लिए संजीवन बूटी का काम कर सकती है। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति हनुमान चालीसा के पाठ को करता है और इसके विषय में जानता है, किंतु हनुमान चालीसा के माध्यम से हम विशेष उपाय कर सकते हैं। विशेष समस्याओं का समाधान आपको हनुमान चालीसा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कैसे, तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जो कुछ कहूँगा शास्त्र विधि से कहूँगा, विश्वास मेरे ऊपर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। कुछ अच्छा सीख लेते हैं, आइए। हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ प्रथम उपाय है कि जैसे किसी व्यक्ति के भाग्योन्नति में कोई रुकावट आ रही हो, काम में कोई रुकावट आ रही हो, आप पैसा कमाते हैं, लक्ष्मी की अस्थिरता घर के अंदर रहती है, अर्थात एक रुपया कमाओ डेढ़ रुपया खर्च हो जाता है। अब ऐसे में हनुमान चालीसा आपके लिए एक बहुत अच्छा साधन बन सकती है। क्या करना है, आपने हनुमान चालीसा की एक चौपाई पढ़ी होगी जिसमें लिखा रहता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आपने इस चौपाई का 108 बार नित्य जाप करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष इस चौपाई का 108 बार जाप अवश्य करें। और साथ ही साथ एक काम कीजिए, मंगलवार के दिन जो बड़ के पत्ते होते हैं 9, और शनिवार के दिन पीपल के पत्ते 9। बड़ के पत्तों में मंगलवार के दिन श्री राम लिखकर इसी चौपाई के माध्यम से हनुमान जी के गले में डाल दीजिए, और शनिवार के दिन भी 9 पीपल के पत्तों में श्री राम लिखकर इसी चौपाई के माध्यम से आप हनुमान जी के गले में पीपल के पत्तों की माला को बनाकर डाल दीजिए, और हनुमान जी के निकट बैठकर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता इस चौपाई को 108 बार हनुमान जी के सामने चमेली के दीप को प्रज्वलित करके जाप करें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यह मेरा निजी अनुभव है। तो यह प्रथम उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा प्रभावशाली उपाय है रोग नाश हेतु। आज का व्यक्ति जितना कमाता है उससे अधिक धन उसका शरीर रोगों के माध्यम से उसे ले लेता है। तो आज का व्यक्ति रोगों से बड़ा पीड़ित है, छोटे छोटे रोग शरीर में लगे रहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टरी उपचार के साथ साथ कुछ आपको विशेष उपाय भी इसके लिए कर लेने चाहिए। वैसे तो बहुत विशेष उपाय हैं रोग निवृत्ति के लिए, लेकिन हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ सबसे अच्छा साधन है कि आप हनुमान चालीसा की एक चौपाई ले लीजिए जिसमें लिखा रहता है कि नाशे रोग हरे सब पीरा, चपत निरंतर हनुमान पीरा। आप इस चौपाई का अखंड रूप से 108 बार नित्य सुबह और शाम जाप कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोगग्रस्त है उस व्यक्ति के लिए एक विशेष आप उपाय कीजिए, एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उस जल को भरकर आप ऐसे नीचे ऊपर से इस तरह से पकड़ लीजिए, और इस चौपाई का नासे रोग हरे सब पीरा इस चौपाई का 108 बार जप कीजिए, और उस अभिमंत्रित जल को आप उस रोगी व्यक्ति को नित्य पिलाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे उसको रोगों से निवृत्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं, एक पात्र में सरसों का तेल डालकर रोगी व्यक्ति के शरीर से पैरों से लेकर सिर तक 7 बार उस तेल के पात्र को घुमा दीजिए, और यह उपाय शनिवार के दिन करना है, और 7 बार घुमाकर आप नीम की जड़ में उस तेल को डाल दीजिए और एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने रोगों से निवृत्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह बहुत सुंदर उपाय है रोग निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ तीसरा उपाय, जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा हो,
अथवा किसी को ऊपर की बाधा हो, कोई कहते कि खिलाया पिलाया, ऐसे अनेक प्रकार की बाधाओं से व्यक्ति मानसिक रूप से भी ग्रसित रहता है। अब ऐसी स्थिति में जिनको लगता है कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का सहारा लेना चाहिए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपर की बाधाएँ हैं, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के निकट बैठ कर चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए और एक चौपाई का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। वह चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। इस चौपाई का आप 108 बार नित्य जाप अवश्य कीजिए। इस चौपाई के साथ आप एक छोटा सा उपाय कीजिए, हनुमान जी जो चांदी के हो, चांदी के हनुमान जी लेकर लाल धागे में बांधकर मंगलवार के दिन इसी चौपाई के माध्यम से अपने गले में हनुमान जी के उस लॉकेट को, ताबीज को आप अपने गले में कंठ में धारण कर लीजिए लाल धागे में बांधकर। और साथ ही साथ आप एक विभूत ले लीजिए, भस्म ले लीजिए और उस भस्म को इसी मंत्र के द्वारा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जो नाम सुनावे, उस भस्म को इसी चौपाई के माध्यम से 7 बार अभिमंत्रित करके ऊपरी बाधा से पीड़ित व्यक्ति के माथे पर और नाभि पर रोज प्रातः और सायंकाल के समय आप लगा दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे वह इन ऊपरी प्रभावों से मुक्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये विशेष उपाय है उन व्यक्तियों के लिए जो ऊपर की बाधाओं से पीड़ित रहते हैं और हनुमान चालीसा सरलता से उनके सारे कार्यों को सिद्ध कर देती है। हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ चौथा उपाय कोर्ट कचहरी का हो, अथवा कर्ज की हो, अथवा उसके बिगड़े हुए काम हो जो बन ना रहे हों, अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए, तो आप हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। कोई कोर्ट कचहरी में फंसा हो, ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ हो, काम नहीं बन पा रहे हो, चारों ओर से समस्याओं ने आपको घेर कर रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप क्या करें, एक चौपाई है हनुमान चालीसा की कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमंत बलबीर, आप इस चौपाई को ले लीजिए। इस चौपाई को रुद्राक्ष की माला में नित्य 108 बार जपिए और इसी चौपाई के माध्यम से आप एक अच्छा उपाय भी ले सकते हैं, अपने मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को रख दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी की जो मुख है वह पश्चिम की ओर हो और पीठ उत्तर की ओर होनी चाहिए और नित्य हनुमान जी के सामने चमेली का तेल दीपक, घी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिए और इसी चौपाई के माध्यम से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरी हनुमत बलबीरा, इसके द्वारा पंचमुखी हनुमान जी को आप स्नान कराइए और स्नान कराने के उपरांत जो स्नान का शेष जल रहता है उसको आप अपने घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए और जो स्नान कराया हुआ जल है आप उस जल को किसी कटीले पेड़ में जाकर अर्पित कर दीजिए। इससे आपके जीवन के संकट, बिगड़ते हुए काम, सर पर कर्जा हो, वह धीरे धीरे मुक्त होने लग जाता है। पर साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, जिनको कोर्ट कचहरी या काम बन ना पा रहे हों, ऐसा भक्त शनिवार के दिन जाए, एक मट्ठा होता है छाछ, उस छाछ में 3 बार अपने सिर से काली मांस की दाल को घुमाकर उस छाछ में, उस मट्ठे में डाल दें और पीपल के वृक्ष में जाकर उसको शांतिपूर्वक चढ़ा दें। ध्यान रखिएगा घर से जाते समय बोलना नहीं है और पूजा करने के उपरांत जब घर को लौट कर आए तो किसी से बोलना नहीं है, शांति से जावें, शांति से घर में आवें। उसके बाद 7 दीपक आप वहाँ पर प्रज्वलित कीजिए और 7 दीपक प्रज्वलित करके 7 परिक्रमा करते हुए सफ़ेद धागे को आप पीपल के वृक्ष में बांधते रहिए और इस मंत्र का जाप करते रहिए, संकट कटे मिटी सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का जाप करते हुए 7 बार पीपल के वृक्ष से आप उस सफ़ेद धागे को, कच्चे सूत के धागे को बांध देंगे। उसके उपरांत 7 लड्डू आप काले कुत्तों को खिला दें, इससे आपके रुके हुए कार्य, बहुत प्रकार की समस्याओं का समाधान होना प्रारंभ हो जाता है। यह मैंने अपने जीवन में निजी अनुभव से प्राप्त किया है। तो यह हनुमान चालीसा से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये 4 उपाय विशेष हैं आज के इस युग में जीने वाले व्यक्ति के लिए। तो आप इन 4 विशेष उपायों को कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। हनुमान चालीसा स्वयं में सिद्ध है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इन 4 चौपाइयों के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते हैं। इन 4 चौपाइयों को आप रुद्राक्ष की माला में जपिएगा, आपके लिए बहुत विशेष फलदायी रहेगी। हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। मेरी ओर से आप सभी को अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।